मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पर्यावरण के प्रति बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जैसे आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि होने से हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है और हमारे जगह जगह जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, शहरों में सूखा पड़ रहा है, लोग पानी की कमी से झुलस रहे हैं, पानी की कमी है और शहर की आबादी प्यासी रह जा रही है। आज एक खबर आई है कि उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं वो पीछे खिसक रहे हैं और उनके तेजी से पिघलने के कारण जगह जगह झील बन गई है। और आपको याद हो कि 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी वहाँ एक झील बनी थी और वो झील टूटने से करीबन 10,000 लोग मरे थे। तो ये उसी टाइप की एक झील है, जो उसी टाइप की ही बहुत सारी झील बन गए हैं और वो सारी चिंता का कारण बन गई हैं। तो ये कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एक भूगोल विभाग के प्राध्यापक हैं DS परिहार, उन्होंने एक शोध किया है और उन्होंने उस शोध में पाया है कि जो हमारे ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने से 77 नई झीलें बन गई हैं। और ये झील जो उत्तराखंड के झील हैं वो जलवायु परिवर्तन का असर इन पर तेजी से देखने को मिल रहा है। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ग्लेशियरों पर तेजी से नई झीलें बन रही हैं। ग्लेशियरों पर तेजी से नई झीलें बनने के कारण 50 मीटर से अधिक व्यास की कई ग्लेशियर झीलें बन चुकी हैं। विशेषज्ञों ने भूगर्भिक हलचल होने से इन झीलों में बाढ़ आने का खतरा बताया। इनकेस अगर कहीं भूकंप आता है तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। जो कुमाऊँ विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्राध्यापक हैं डॉक्टर DS परिहार, उन्होंने GSI रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट डाटा से ग्लेशियरों का यह अध्ययन किया है। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ जिले में ग्लोबल वार्मिंग से मुख्य रूप से मिलम ग्लेशियर, गोखा, रालम, तलवां और मर्तोली ग्लेशियर अधिक प्रभावित हुए हैं। GSI रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट डाटा के माध्यम से अध्ययन करने से पता चला है कि ग्लेशियरों के आसपास कुल 77 झीलें बन गई हैं और जिनका व्यास 50 मीटर से अधिक है। अब सोचिए 50 मीटर पहाड़ों की जो ग्लेशियर की झीलें होती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं, जरा सा भूकंप आता है क्योंकि वो कच्ची होती हैं, वो पक्का कोई झील तो बनी नहीं होती, सीमेंटेड, वो जो मिट्टी होती है या जो चट्टान, टूटे फूटे चट्टान होते हैं उनके कारण झील बनती है, उनमें पानी अटकता है और जरा सा भूकंप आया या तेज बारिश आई तो टूट जाते हैं और फिर वो बहुत तेजी से बाढ़ आती है। इनमें सर्वाधिक 36 झीलें मिलम में, 7 झीलें गोखा में, 25 झीलें रालम में, 3 झीलें लवां और 6 झीलें मर्तोली ग्लेशियर में मौजूद है। इन झीलों के व्यास में वृद्धि हो रही है, यानी और बड़ी बन रही है और नई झीलें बनने की प्रक्रिया भी जारी है। इनसे बड़ी झील गोखा ग्लेशियर जो 2.78 किलोमीटर लंबी व्यास की है, बताइए। जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो ग्लेशियर के कारण, उनमें आपदा प्रबंधन विभाग एवं प्रशासन ने भी माना है कि ये झीलें आपदा का कारण बन सकती हैं। और जो उन्होंने इसमें आइडेंटिफाई जगह किए हैं उसमें तोली, लुमती, मवानी, डोबाड़ी, बरम, साना, भदेली, दाड़ी, बगड़, सेरा, रोपड़ा, सेरा घाट, बंगा पानी, देवी बगड़, छोड़ी बगड़, घट्टा बगड़, बगीचा बगड़, उमड़ बगड़, मातकोट, तल्ला मोरी और ऐसे ही और भी संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां इस तरह की घटनाएं मिल रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब उन्हीं ग्लेशियरों के कारण और क्या चिंता की जो बात है कि जो पेरिस समझौता हुआ था पेरिस में, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर UNFCCC की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में बताया गया था कि सभी देशों को अपने जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, उनको 1990 के स्तर पर लाना है और या हर देश को अपने टारगेट देने हैं कि वो अपने
जो अभी उत्सर्जन करें उसमें कितने करेंगे। तो भारत ने कहा था कि हम 45% कम करेंगे, ऐसा सभी देशों ने कमिटमेंट की थी, लेकिन किसी ने इस पर काम नहीं किया। और अब तो उल्टा हो रहा है कि रूस ने यूक्रेन में जितनी मिसाइल दागी हैं उन सब मिसाइलों के कारण जो अभी तक जितने प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हुए वो सारे प्रयास फेल हो जाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि लोग मरेंगे, अनेक तरह की बीमारियां होंगी और उसके अलावा लोग और भी लोग मरेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने कहा कि पिछले साल जो 36.8 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, यानी लगभग 1% की इसमें 2022 से इसमें वृद्धि हुई है, और 2.5% की वृद्धि जो तेल संबंधी उत्सर्जन है उसके कारण हुआ है। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक तो हवाई यात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, जहाज की जो स्पीड अब बढ़ रही है, और जो जहाज का उत्सर्जन होता है वो आसमान में होता है, यानी जहाँ धरती का गैस उठ के आसमान तक जाता है उसमें समय लगता है। तो चूंकि जहाज तो आसमान में ही उड़ते हैं और वहीं वो उत्सर्जन कर रहे हैं तो वो उसका असर ज़्यादा होता है, एक तो उसके कारण हुआ, करीबन 4.2% की इसमें वृद्धि हुई है। और दूसरा जो गैस की कमी हुई है, गैस की कमी कैसे हुई है, एक तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण जो चेन टूटी है, जो सप्लाई चेन है वो टूट गई है, और रूस ने बहुत सारे देशों को गैस की सप्लाई यानी सीएनजी पीएनजी की सप्लाई करना बंद कर दिया है। तो इसके कारण अब लोग वापस कोयले की तरफ आ रहे हैं, इवन भारत में भी जो सौर ऊर्जा और पन बिजली से काम चल रहा था, और हमारे यहाँ भी गैस की से टरबाइन चल रहे थे, तो चूंकि सप्लाई चेन टूटी है तो भारत में भी एक समय ऐसा आ गया था कि बिजली का संकट खड़ा हो गया था। तो फटाफट हमारे यहाँ कोयला का खदान जो है माइनिंग बहुत तेज हुई है और फिर विदेशों से भी कोयला खरीदा गया। तो इसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो समस्या जो लगातार खड़ी हो रही है वो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और मित्रों इससे जुड़ा एक और खबर है जो बहुत ही चिंता जताता है। आपने पिछले साल देखा होगा कि साउथ अफ्रीका का जो शहर है जोहानिसबर्ग जो कैपिटल है वहाँ पानी पीने का संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ के आसपास की नदियाँ सूख गई थी और लोगों को पानी नहीं मिला। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे शहर ऐसे जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जहाँ पानी कम हो रहा है, एक तो आबादी बढ़ रही है ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग और पानी की कमी के कारण बहुत सारे शहर प्यासे रह गए थे। तो अभी जो हमारे एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक खबर आई है, अगर आपको याद हो तो जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी हुई थी तो इटली में ही शादी हुई थी, पहले इटली में हुई थी फिर हिंदुस्तान में हुई थी। तो जब इटली में शादी हुई थी तो उनमें वहाँ उनके परम मित्र अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनके और भी पारिवारिक मित्र थे, वो इटली गए थे। तो उसी दौरान एक एक फिल्म की शूटिंग हुई थी और वो जो फिल्म थी उसके शूटिंग जो है वेनिस शहर, जो इटली का वेनिस शहर है वो हुई थी, और जो फिल्म था द ग्रेट गैम्बलर। तो ग्रेट गैम्बलर का अगर आपको याद गाना याद हो कि इसमें दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, और इसमें एक जो इटली का एक नाविक होता है उस वो जो नाविक है बेसिकली वो नाव है ये जो इटली का वेनिस शहर है वो वेनिस शहर जो है वो बेसिकली उथले पानी में उथले जो मिट्टी है समंदर की मिट्टी है उसको लैगून कहते हैं। लैगून का मतलब होता है कि जो समंदर है उसमें जब मिट्टी जमा होती है तो एक टापू बन जाता है तो वो टापू लैगून कहलाता है। तो इटली का उत्तरी इटली का जो शहर है वेनिस ये लैगून में बना हुआ है, और ये लैगून में अंदर झीलें ही नहर ही नहर है। एक तो वहाँ दो नदियाँ हैं और दो नदियों के अलावा वहाँ जो समुद्र का पानी आता है ज्वार भाटा से उसके कारण वहाँ नहर है। तो वो जो नहर हैं वो दो नदियों के बीच में हैं, दो नदियाँ हैं पो और पियाओ।
तो ये जो इसको बोलते हैं गोंडोला, जो नाव है जिसमें वहाँ के लोग सफ़र करते हैं। आपको पता है कि वेनिस शहर में कोई कार नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, वहाँ गाड़ी नहीं चलाता कोई, वहाँ सड़कें नहीं हैं, क्योंकि वो टापू में बसा हुआ है, लेगुन में बसा हुआ है। तो लोगों ने उसी लेगुन के ऊपर, यानी उसी उथली मिट्टी के ऊपर लकड़ी के घर बनाए हुए हैं, और उस लकड़ी के घर को आपस में जोड़ने के लिए, शहर को जोड़ने के लिए नहर है, और उन्हीं नहरों से ही गोंडोला के माध्यम से लोग आवाजाही करते हैं। तो ये जो शहर है, अब ये क्या हुआ, पिछले 15 दिनों में वहाँ की जो नहरें हैं वो सूख गई है। एक तो जो दो नदियाँ हैं वो सूख गई हैं, उनमें पानी बहुत कम बचा हुआ है, शहर के पीने लायक ही पानी बचा हुआ है। और जो समंदर से ज्वार भाटा आता था, क्योंकि वहाँ मिट्टी ज़्यादा जमा हो गई है, तो ज्वार भाटा के कारण वो पानी नहरों में नहीं आ पा रहा है, इसके कारण नहर सूख गई है। और जो वहाँ टूरिज्म था, 2 करोड़ लोग वहाँ केवल उस बेनिस शहर को देखने के लिए आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत ही टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा था ये। और यहाँ 150 से ज़्यादा नहर हैं, और एक जादुई शहर से कहा जाता है इसको, एक तैरता हुआ शहर कहा जाता है, और सी क्वीन ऑफ सी भी कहा जाता है इसे, इतना खूबसूरत है ये अलग, अपने अपने आप में ही ये एक डिफरेंट, अलग से एक शहर है। और पिछले 15 दिनों में यहाँ नहरें सूख गई हैं, वहाँ कीचड़ फैल गया है, और जो गोंडोला है, नाव है, वो कीचड़ में धस गई हैं, या वो कहीं किनारे लोगों ने उसको लगा दिया है, दीवारों के सहारे हैं। असल में ये जो शहर, ये 1602 में वेनिस अस्तित्व में आया था, और ये दो नदियों के मुहाने पर, पो और पियावो और लेगुन पर बसा हुआ शहर है। लेगुन यानी किसी समुद्र के किनारे बनने वाला उथला जल क्षेत्र है। और यहाँ 2019 में इतनी बारिश आई थी कि बाढ़ आ गई थी, यहाँ के जो शहर के जो मकान है वो 6-6 7-7 फीट पानी में दब गए थे, डूब गए थे। तो अभी यहाँ 13 फरवरी से शहरों में दी जो उसकी सबसे बड़ी नहर है, दी ग्रैंड कैनाल, वो भी सूख गई है। और इसके अलावा जो इसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ के जो सब इटली की सबसे लंबी नदी है पो नदी, वो इसमें सामान्य पानी से 61% कम है, और नदी में पानी कम होने के कारण और बारिश नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। और ये 70 साल के इतिहास में सबसे भयानक सूखा 2022 में इटली में पड़ा था, उसके कारण भी है। और इस बार चूंकि बारिश कम हुई है वहाँ, और स्नोफॉल भी नहीं हुआ है, तो जो आल्पस रेंज है, आल्पस पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो ग्लेशियर का जो पानी निकलता था, उससे भी नहरों में पानी रहता था, तो इस बार चूंकि बर्फ कम हुई है, कम पड़ी है, तो वहाँ का पानी भी यहाँ नहीं आ रहा है। और उसके बारे में ये कहा जाता है, इसकी जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो हूण एक जनजाति थी, यूरोप की जनजाति हूण, उन हूणों ने इटली पर आक्रमण किया था, जो बेनिस जिस शहर में बसा हुआ है, ये असल में बेनेटो एक शहर है, बेनेटो के अंदर ही बेनिस है, बेनेटो एक बड़ा शहर है, और जो वेनिस है वो उसका एक छोटा सा टाउन है। तो इसमें 402 में गोथ एक जाति है, गोथ जो हूण है यूरोप की, उस जातियों ने यहाँ हमला किया, और इस हमले से बचने के लिए लोग मेन शहर से, यानी बेनेटा से, लेगुन की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि लेगुन एक तो कीचड़ कीचड़ है, दलदल है, वहाँ हूण नहीं आ पाएंगे, अगर हाथी घोड़े लेके आते हैं तो वो दब जाएंगे वहीं, वो धंस जाएंगे, तो उनकी जान बच जाएगी और वो युद्ध कर सकते हैं। तो वो बसे तो थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे इतना खूबसूरत शहर बन गया है, एक जादुई शहर बन गया, जो नदी के ऊपर, समंदर के ऊपर बसा हुआ है, और सारी दुनिया वहाँ देखने के लिए जाती है कैसा खूबसूरत सा शहर है। तो वो भी अब क्लाइमेट चेंज के कारण, और ये जो प्रॉब्लम आई है उसके कारण वो परेशान है। तो मित्रों, क्लाइमेट चेंज के कारण जो कोविड आया है, इसको भी कहते हैं कि ये भी क्लाइमेट चेंज का ही इसका असर है। तो आप अगर और कोई आपके पास इस बारे में सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।